हाँ तो चले हम यहाँ पे करने चला उसको मैं कर देता हूँ, यानी कि 5,000 से इसको कर देना 50,000 पर मंथ, और 50,000 जो पर मंथ करूंगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज 6 लाख। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा चेंज किया, और प्लीज याद रखिएगा ये चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आप चेंज कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन मेरे पास था क्वेश्चन 4, तो उसको 50,000 कर लें, कन्वेंस अलाउंस इज 50,000 पर मंथ। ठीक है, ये चेंज कर लीजिएगा इसके अंदर। खैर अब चलते जरा, ये 60,000 हुआ तो उसकी वजह से आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो भी बढ़ गई, और टैक्सेबल इनकम बढ़ने की कितने हो गए 28,50,400 आपके पास यहाँ पर नेट टैक्सेबल इनकम। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लगाया तो ये भी चेंज हो गया है, और अब आपके पास टोटल नेट टैक्सेबल इनकम अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कितनी आ रही है, दैट इज 16,95,000। चले अब आइए जरा देखते हैं उसको स्लैब में चेक करते हैं कि कौन सा स्लैब में फॉल कर रहा है। तो स्लैब में जब चेक कर रहे हैं तो 16,95,000 का मतलब ये है कि ये 12 लाख से ज्यादा है लेकिन 18 लाख से कम है, इट मीन्स स्लैब 3 में फॉल कर रहा है। इट मीन्स अब स्लैब 3 का रेट क्या है, दैट इज फिक्स है 30,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है दैट इज एज पर स्लैब, और फिक्स कितना है दैट इज 30,000। और इसी तरीके से आपके पास परसेंटेज कितना है, तो कह रहा है 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। अभी मेरे पास कितनी है सर, 16,95,000, ऐसा ही है 16,95,000। इसमें से क्या करेंगे 12 लाख को माइनस कर देंगे, यानी कि 12 लाख से अबव, तो 12 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, और उसका कितना परसेंट है, उसका 10% है, उसका कितना परसेंट है 10% है, यानी कि 16,95,000 मेरी टैक्सेबल इनकम है। कह रहा है पूरे के ऊपर नहीं करूंगा, जो 12 लाख से ज्यादा, जो 12 लाख से एक्सीड अमाउंट है तो उसके ऊपर करेंगे। तो उसका मतलब ये 16,95,000 माइनस 12 लाख, और इसके ऊपर जो परसेंटेज लगेगा, इसके ऊपर जो परसेंटेज लगेगा वो कितना लगेगा 10%, इसके ऊपर जो परसेंटेज लगेगा वो कितना लगेगा 10% लगेगा। तो उसका मतलब ये कितना आ गया 49,500, 49,500 ये आपके पास यहाँ पर आ गया। तो उसका मतलब टैक्स लायबिलिटी जो है वो अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कितनी आ गई, दैट इज ये आपके पास आ गई 79,500। चले अब इसके अंदर हमें करना क्या है, अब हमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की निकालनी है टैक्स टैक्स लायबिलिटी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारे पास कितना है सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जो हमारे पास वैल्यू बन रही है दैट इज 8,20,000, 8,20,000। अब कौन से स्लैब में फॉल कर रहा है तो देखते हैं जरा, 8,20,000 सर ये फॉल कर रहा है आपके पास स्लैब 3 के अंदर। ऐसे ही 6 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है, तो उसके ऊपर 20,000 फिक्स अमाउंट है। ठीक है, 20,000 जो है वो आपके पास फिक्स अमाउंट है, और इसी तरीके से आपके पास परसेंटेज कितना लगेगा इसके ऊपर, तो परसेंटेज के लिए आपके पास कह रहा है कि जो आपके पास 10% लगेगा बट द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 6 लाख से ज्यादा, यानी कि 8,20,000 माइनस दैट इज 6 लाख, और उसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा आपके पास दैट इज 10%, बिल्कुल 10% स्लैब 3 के अंदर कितना है 10% आपके पास है, यानी कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 10% से। तो आए जरा देखते हैं इसके अंदर कितना होगा, 8,20,000 माइनस माइनस 6 लाख, 6 लाख से ज्यादा, और इसके ऊपर आपके पास यहाँ पर परसेंटेज लगेगा कितना 10%, तो ये आपके पास कितना 22,000। तो ये टैक्स लायबिलिटी फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी हो गई 42,000 हो गई। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है टैक्स लायबिलिटी फॉर प्राइस बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड का अमाउंट कितना है हमारे पास 5,400, और उसके ऊपर 10% टैक्स रेट लगता है, तो उसका मतलब ये है कि 5,400, और इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी देखते हैं जरा। तो 5,400 आपके पास टैक्स लायबिलिटी है, तो ये आपके पास 10% यानी कि 540 आ जाएगा। अच्छा डिविडेंड, डिविडेंड का अमाउंट कितना है, डिविडेंड का अमाउंट मेरे ख्याल से 3 लाख था, प्राइस बॉन्ड सॉरी एक सेकंड, डिविडेंड 5,400 है, प्राइस बॉन्ड 3 लाख है, सॉरी प्राइस बॉन्ड 3 लाख है, प्राइस बॉन्ड 3 लाख है, तो 3 लाख के ऊपर करेंगे हम। क्रॉसवर्ड पजल, तो क्रॉसवर्ड पजल की अमाउंट कितनी है हमारे पास, तो वो हमारे 30,000 है, और 30,000 का कितना परसेंट 15%, क्रॉसवर्ड पजल का टैक्स रेट कितना है 15% है, तो ये आपने टैक्स रेट याद रखना है, और 30,000 का 15% आएगा। तो
तो ये कितना आएगा, 4,500 आपके पास आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास करना क्या, टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना है। टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यहाँ पर ई भी है, तो ये हमने क्या कर लिया, टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। और इसके अंदर हम लास्ट वाली को भी यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास कितना रहा, 156675, ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। लेकिन उसमें से एक चीज आपने और माइनस करनी है क्या, कि सर टैक्स पेड, क्योंकि आपने कुछ टैक्स पे किया है, एम्प्लॉयर ने आपके जेब में से डिडक्ट कर लिया था। कितना डिडक्ट कर लिया था, तो क्वेश्चन में आपके पास दे रहा है कि टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर 1500, तो उसका मतलब 1500 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी नेट टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपके पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर टैक्स पेड माइनस कर दिया, और क्या माइनस हो सकता है, और माइनस ये हो सकता है कि अगर वो सीनियर सिटीजन वाला होता या इसी तरीके से फुल टाइम टीचर होता तो वो दो चीजें माइनस करता, नॉर्मली एग्जामिनर पूछ ही नहीं है, लेकिन अगर पूछता तो मैं यहाँ पे इसमें माइनस कर देता। लेट से कि अगर मैं इसी का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूँ, अगर वो कहता है कि फुल टाइम टीचर है, फुल टाइम टीचर है, तो मैं क्या करता, सर फुल टाइम टीचर है तो उसकी लाइबिलिटी हम रिड्यूस कर देते। और इसी तरीके से अगर वो सीनियर सिटीजन होता तो ये भी हम क्या कर देते, लेस कर देते। तो उसका जो भी परसेंटेज है उतनी अमाउंट में क्या कर देता, मैं माइनस कर देता यहीं से ही। तो सीनियर सिटीजन होता तो वो क्या करता, मैं इसकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसमें से वो अमाउंट माइनस कर देता। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो नेट टैक्स लाइबिलिटी मेरी कितनी हो गई, दैट इज 155,175, ये मुझे पे करने हैं। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? सो इस तरीके से आपने जो है वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, और 5 ईयर के अंदर भी, 5 पेपर्स के अंदर भी इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए, इसी फॉर्मेट पे सारा काम होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।